गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी विल डू डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन. नाउ व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स? दे आर सिंपली द इंसुलेटर्स. द अनदर नेम ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज इंसुलेटर्स. दे आर द नॉन कंडक्टिंग मटीरियल विच डू नॉट हैव द फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इधर दे डू नॉट हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इफ दे हैव दे दैट इज वेरी स्मॉल, लेस इन द नंबर, दैट इज नेग्लिजिबल नंबर. बेसिकली डाइलेक्ट्रिक्स आर नथिंग एल्स, दे आर द इंसुलेटर्स. But when they are placed in the external field, its opposes four opposite faces acquire equal and opposite charge. For example, air, glass and mica. Now what are dielectrics? See, the molecules of dielectric may be polar, may not be polar, means they may be non-polar. Now what are the polar dielectric? First we will do a molecule in which center of mass, you know that आपको पता है एक atom है, atom में जितना positive होता उतना ही negative होता. ओके, एटम अपने आप में न्यूट्रल होता है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव. पॉजिटिव किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन्स की वजह से होता है. नेगेटिव किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है. जितने भी प्रोटॉन्स है ना, उनका सेंटर ऑफ मास ले लो, सेंटर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनका सेंटर ऑफ मास ले लो, सेंटर ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. वो कहता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में द सेंटर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. सपोज ये आपके पास सेंटर ऑफ मास ऑफ प्रोटोन है और ये सेंटर ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में कंसाइड नहीं करते, एक इधर पड़ा है एक इधर है. द सेंटर ऑफ मास ऑफ प्रोटोन इधर है, सेंटर ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर है. दे आर कॉल्ड एज पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, जिसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कंसाइड ईच अदर. दे आर कॉल्ड एज पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. नाउ सी एग्जाम्पल्स आर hydrochloric acid, water, ammonia, carbon dioxide, alcohol, etc. Now what will happen if I will place such kind of dielectric in a electric field? Now see here, जो इन dielectrics की बात की मैंने, polar substances की बात की, मान लो ये आपके पास एक polar molecule है. आपको बताया था मैंने positive और negative आपस में एक दूसरे से separate है. अब देखो, ये positive था center of mass of proton, ये center of mass of electron था. proton और electron equal opposite थे, यस और नो? जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव था, तो इक्वल थे ये, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, दे आर लाइक दिस, दैट मीन्स दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है. इक्वल एंड अपोजिट चार्ज फॉर्म्स अ डाइपोल. इफ देयर इज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, दैट इज अ डाइपोल. तो ये पोलर सब्सटेंस क्या है? एक डाइपोल बन गया. एक मॉलिक्यूल क्या बन गया? एक डाइपोल. ये एक मॉलिक्यूल है, इसकी डाइपोल मूवमेंट किधर है? इधर है. नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है डाइपोल मूवमेंट. दूसरा मॉलिक्यूल लिया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसकी डाइपोल मूवमेंट किधर है? इधर है. इसकी डाइपोल मूवमेंट इधर है. तो कुल मिला के जब हम सबकी नेट डाइपोल मूवमेंट देखते हैं ना, तो वो क्या आ जाती है? जीरो, क्योंकि दे आर रेंडमली ओरिएंटेड. क्या होगा जैसे मैं इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगी? आपको पता है नाउ दे आर बिहेविंग एज अ डाइपोल, द पोलर मॉलिक्यूल्स दे आर बिहेविंग एज अ डाइपोल. When they are placed in external field, आपने फील्ड लगाया, फील्ड क्या होता है? इधर लगाया आपने फील्ड, इधर पॉजिटिव आ गया, इधर क्या आ गया? नेगेटिव. जैसे आपने पोलर डम मॉलिक्यूल्स को, पोलर मॉलिक्यूल्स मीन्स एक डाइपोल, ओके, को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, आपको पता है जब भी किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, उस पर क्या लगती है? टॉर्क. टॉर्क की वजह से क्या हो जाएंगे? ये घूम जाएंगे ऐसे करके. ये डाइपोल था, ये ऐसे, दे ट्राई टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये घूम जाएंगे ऐसे. तो इस तरफ सारा, इधर पॉजिटिव था ना, इधर नेगेटिव था, तो इस तरफ सारे डाइपोल के नेगेटिव आ जाएगा, इधर इधर नेगेटिव आ जाएगा और इधर पॉजिटिव आ जाएगा. सारे डाइपोल जो कि पहले रेंडमली ओरिएंटेड थे, इधर उधर ओरिएंटेड थे, ऐसे कोई ऐसे पड़ा हुआ था, अब ये सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में आ गए, सारे के सारे ऐसे अलाइन हो गए. अब देखो, ये वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ओके, इधर पॉजिटिव टूवर्ड्स द एजेस क्या आ रहा है? टूवर्ड्स द एजेस इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? अंदर की तरफ. बाहर की बात नहीं की, ये तो आपने लगाया जो इंड्यूज हुआ. अब देखो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं. सिर्फ चार्ज कहाँ रह रहा है? चार्ज रह रहा है सरफेस पे, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव. तो अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाएगा. पहले नहीं था, सेल प्रोडक्शन हुई है, इंड्यूस्ड हो गया, क्योंकि इधर पॉजिटिव था और इधर नेगेटिव था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ, दैट इज कॉल्ड एज ईपी, मींस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? जीरो. अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? जीरो. पर जैसे हमने इस पोलर मॉलिक्यूल्स को
इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड में रखा, उनके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया। बाय बिकॉज दे दीज पॉलर मॉलिक्यूल्स बिहेव एज अ डाइपोल, व्हेन द डाइपोल्स आर प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे एक्सपीरियंस द टॉर्क, दे ट्राई टू अलाइन देमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज ऑफ दैट द सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंड्यूस इन द पोलर सब्सटेंसेस। नाउ नेक्स्ट इज नॉन पोलर सब्सटेंसेस। नॉन पोलर मीन्स देखो ये सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज था, ये सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज था, ये ऐसे पड़े हुए थे, ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास है, नेगेटिव चार्ज। अब ये दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, दैट इज पोलर मॉलिक्यूल्स, बट व्हेन दे आर प्लेस लाइक दिस, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दे आर प्लेस लाइक दिस, दैट मीन्स द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस दे कंसाइड ईच अदर। व्हेन द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस कंसाइड ईच अदर, दे फॉर्म द नॉन मोलर पोलर मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल H2O2 एंड टू मिथेन बेंजीन एक्सेट्रा, सच काइंड ऑफ सीन विल अकर। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कंसाइड कर रहे हैं, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। जैसे ही आप ये देखो, जैसे ही आप इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, ये था ना पॉजिटिव है, ये था नेगेटिव, जैसे ही आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा क्या होगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, देखो क्या था, ये था ना आपके पास, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, सपोज ये क्या है, पॉजिटिव। जैसे आप इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो या आपने एक्सटर्नल फील्ड में रखा, तो क्या हुआ, नेगेटिव इधर चला जाएगा और पॉजिटिव इधर चला जाएगा, दे स्ट्रेच्ड, ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा, ओके। तो नेगेटिव किधर, देखो मॉलिक्यूल ऐसे हो गया, एयर मॉलिक्यूल का नेगेटिव इधर चला गया और पॉजिटिव इधर चला गया, दे स्ट्रेच, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, इंड्यूस इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इंड्यूस इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, तो अपने आप में एक डायपोल मूवमेंट इंड्यूज होगी, पहले नहीं थी, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से कंसाइड हुए थे, तो देखो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस टूएल दे फॉर्म अ डायपोल, डायपोल मूवमेंट आती है। अब यहाँ डायपोल मूवमेंट क्या होगी, क्योंकि डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला कहता है चार्ज इंटू लेंथ, अब लेंथ तो जीरो है, दे आर कंसाइडिंग ईच अदर, तो डायपोल मूवमेंट क्या होनी थी यहाँ पर, जीरो, यहाँ डायपोल मूवमेंट क्या थी, जीरो, पर जैसे आपने इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, डायपोल मूवमेंट क्या हो गई, नॉन जीरो, दैट इज नॉन जीरो। सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स रिमेन पोलर एज लॉन्ग एज दे अप्लाई। अब जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेंगे ना, तब तक ऐसे स्ट्रेच रहेंगे, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाला उतारा, ये वापस ऐसे आ जाएंगे, तो मीन्स दे रिमेन पोलर, इनमें पोलैरिटी तब तक रहती है, इनमें डायपोल मूवमेंट तब तक रहती है जब तक आप इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, जैसे आप हटा देते हो दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजिशन। नेक्स्ट इज पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। वो कहता है अभी आपने देखा पोलर सब्सटेंसेस थे चाहे नॉन पोलर सब्सटेंसेस थे, इनिशियली दोनों के पास डायपोल मूवमेंट नहीं थी, पर जैसे आपने इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इन पे क्या आ गई, डायपोल मूवमेंट। कितनी डायपोल मूवमेंट आई, इंड्यूस हुई, इंड्यूस डायपोल मूवमेंट पर यूनिट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द प्रोसेस ऑफ डिवेलपिंग द इंड्यूस डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट को इंड्यूस करना, कब, जब आप पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंसेस को क्या रखते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, इस डायपोल मूवमेंट, इंड्यूस हुई डायपोल मूवमेंट के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन, ओके। कितनी डायपोल मूवमेंट इंड्यूस हुई, कितनी डायपोल मूवमेंट इंड्यूस हुई अपॉन द वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक, मीन्स पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी डायपोल मूवमेंट इंड्यूस हुई, चाहे वो पोलर थे चाहे वो नॉन पोलर थे, कितनी डायपोल मूवमेंट इंड्यूस हुई, पहले तो दोनों में ही नहीं थी, बाद में आई, कितनी इंड्यूस हुई पर यूनिट वॉल्यूम, इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन वैक्टर। क्या बोलते हैं हम उसको, पोलराइजेशन वैक्टर, दैट इज पी वैक्टर, पी कैपिटल लेंगे। नाउ सपोज ये आपने इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज प्लेट ली, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज प्लेट लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, बाहर की तरफ, इधर पॉजिटिव से नेगेटिव। ये आपने कोई डाइलेक्ट्रिक रखा, नेगेटिव इधर आ जाएगा सारा का सारा, चाहे आपने पोलर सपोज पोलर डाइलेक्ट्रिक का, इधर नेगेटिव हो जाएंगे सारे इकट्ठे, इधर पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। लेट एन इज द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, मान लो इसके डाइलेक्ट्रिक के यूनिट वॉल्यूम में, ये यूनिट वॉल्यूम है सपोज, इसमें एन नंबर ऑफ एटम्स है। अब जैसे आपने एक पोलर मॉलिक्यूल को, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता है, उसमें क्या आ जाती है, डायपोल मूवमेंट। सपोज एक में डायपोल मूवमेंट आई पी, तो टोटल डायपोल मूवमेंट कितनी आएगी, कितने नंबर ऑफ एटम्स थे पर यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ एटम्स थे, एन, तो टोटल नंबर ऑफ, टोटल डायपोल मूवमेंट निकाले, यूनिट वॉल्यूम में एन नंबर ऑफ एटम्स हैं, एक में डायपोल मूवमेंट आई है पी, तो टोटल एन में कितनी आ जाएगी, एन पी।
सो वॉट इज़ पी वैक्टर? पी वैक्टर इज इंड्यूज डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. देखो आपने पर यूनिट वॉल्यूम नहीं है क्योंकि आपने नंबर ऑफ एटम्स भी क्या लिए थे, पर यूनिट वॉल्यूम. तो डायपोल मोमेंट भी क्या आ गई आपके पास, पर यूनिट वॉल्यूम. एन क्या थे, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम. एक में डायपोल मोमेंट कितनी आई थी, स्मॉल पी. तो ये क्या थी, टोटल डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. और टोटल डायपोल मोमेंट इंड्यूस डायपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम क्या था आपके पास, पी वैक्टर. तो पी वैक्टर क्या आ गया, डायपोल मोमेंट इंड्यूस इन अ वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम. यूनिट्स, डायपोल मोमेंट के यूनिट्स क्या होते हैं, कूलम मीटर. वॉल्यूम के यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर क्यूब. कैंसिल होकर क्या बन गया, कूलम पर मीटर स्क्वायर. तो पोलराइजेशन वेक्टर के यूनिट्स क्या आ गए आपके पास, कूलम पर मीटर स्क्वायर. ना बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स, अभी आपने बात की थी बिहेवियर ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर इन द फील्ड ऑफ इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड. अब हम कंडक्टर्स और इसमें डिफरेंस देखेंगे. बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर में क्या होगा, देखो जैसे मैं किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखती हूँ, ये बाहर आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाया, जैसे मैं एक्सटर्नल फील्ड में रखती हूँ क्या होंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सीधे चल जाएंगे, इधर पॉजिटिव था ना इधर नेगेटिव था. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये शो कर रही है कि इधर पॉजिटिव है और इधर क्या है, नेगेटिव. जैसे मैं इनको कहाँ रख रही हूँ, एक्सटर्नल फील्ड में रख रही हूँ, इधर सारे क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन्स, और पॉजिटिव पार्ट सारा इधर कहाँ चला गया, अंदर की तरफ. अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. अब जो इसकी वैल्यू है और जो इसकी वैल्यू है, जो आपने लगाया फील्ड और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ, दैट इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट, दैट इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड अ कंडक्टर क्या होगा, जीरो. वैसे भी आपको बता चुकी हूँ इन साइड अ कंडक्टर चार्ज भी जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है. सारा का सारा चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, सरफेस पे होता है. अंदर ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, गॉस थ्योरम से हमने किया है, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना ही चार्ज होता है. अब बात आती है डाइइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है. डाइइलेक्ट्रिक में आपने देखा था, अभी हमने आपको पीछे करवाया था, चाहिए केस था, चाहिए केस था, डायपोल मोमेंट इंड्यूस हुई थी. बाहर आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाया था ई नॉट, और अंदर कितनी हुई थी ई पी. बाहर आपने लगाया था ई नॉट, अंदर क्या हुई थी ई पी. इन केस ऑफ कंडक्टर दिस ई नॉट एंड ई पी वर इक्वल, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा था, जीरो. पर इस केस में डाइइलेक्ट्रिक में ई नॉट और ई पी बराबर नहीं है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे निकालोगे, दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट, दे आर नॉट इक्वल, दे आर ऑपोजिट वैक्टर. तो हाउ यू विल फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, बस सिंपली सब्ट्रैक्टिंग दैम. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, ई नॉट माइनस ई पी. तो आपने अप्लाई कितना किया था, ई नॉट, अंदर कितना हो गया ई पी जो इसको अपोज कर रहा है. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ई नॉट में से ई पी माइनस हो रहा है, तो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, रिड्यूस. कितना रिड्यूस हुआ, ई नॉट माइनस ई पी. थैंक यू.